हाउ आर यू? ठीक है, आई होप यू फाइन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, कल हमने डे थ्री पढ़ा था, आज हम डे फोर पढ़ेंगे। ठीक है, डे फोर में क्या है? ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट के बारे में, कल हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट पढ़ेगा, अब हम सब्जेक्ट को कैसे ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, आज हम उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो आपने कल की वीडियो देखी होगी, कल की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एकदम हम बेसिक्स के लेके चल रहे, एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अब देखिएगा इंग्लिश की लगान आपके हाथ में जरूर होगी। अब ये नहीं कहेंगे कि मुझे ग्रामर बिल्कुल नहीं आता, ये वीडियो देखकर आप कहेंगे कि ग्रामर मुझे बहुत आता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, समय ना बर्बाद करते हुए सभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि सब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएगा, एक्टिव पैसिव में काम आएगा। ठीक है, इन सब चीजों में आपके काम आएगा, आई वी यू। ठीक है, आज हम जानेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, आई वी यू ही सी इट दे। ठीक है, इतने आई, देखिए फिर से देखिए, आई मतलब, ठीक है, आई का मी में चेंज होगा, वी का अस में चेंज होगा, और यू का यू ही रहेगा, यू का कुछ नहीं चेंज होगा, ही का यम हिम में हो जाएगा और सी का हर हो जाएगा। ठीक है, ही मतलब मैंने कल बताया था, ही किसके लिए प्रयोग होगा? ठीक है, ही लड़कों के लिए प्रयोग होता है, जो लड़के होते हैं, सी लड़कियों के लिए। तो जब भी वहां रहेगा ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, जब हम उसको ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देव का देम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में देखिएगा आई का मी हो जाएगा, जब भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे, एक बार दोबारा आपको बता दे रहे हैं, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, यू का कोई चेंज नहीं होगा, यू का, ठीक है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, अगर पुरुष है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और महिला है तो सी का हर हो जाएगा। देखिए, सी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, और दे का देम हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आप देखिए मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, मी अस यू, ठीक है, हिम हर इट और देम, मैंने इसका अगर आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा कमजोर हो गए तो मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख दिया है, इससे आपको अच्छे तरह समझ में आएगा। आप देखिए, ठीक है, मुझे मुझसे, ठीक है, हमें हमसे, ठीक है, जब ये सब्जेक्ट के रूप में होगा तो मुझे हमें, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में होगा तो मुझे, वी का हमें प्रयोग होगा, यू का तुम्हें प्रयोग होगा, ही का उसे, ठीक है, हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट में उसे इसे उन्हें, ठीक है, फिर क्या होगा, मुझसे भी हो सकता है, हमसे भी प्रयोग हो सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में, आपको भी हो सकता है। अब देखो तुम, ठीक है, तुम्हें तुमसे, ठीक है, छोटा तो कोई रहेगा, मान लो तुम्हें और तुमसे कह सकते हो, लेकिन कोई बड़ा रहे तो आपको आपसे, रिस्पेक्ट तो दोगे अपने से बड़ों को। ठीक है, और फिर देखिए हिम मींस उसे, लड़का, ठीक है, उससे, ठीक है, उससे भी हर निकलेगा और उसे भी निकलेगा, और हर के लिए उसे भी निकलेगी, ठीक है, उसे लड़के के लिए निकलेगा, याद रखिएगा, ये लड़कों के लिए प्रयोग होता है, सी लड़कियों के लिए प्रयोग होता है, उसे, ठीक है, लड़की, ठीक है, उसे हर किसके लिए होगा, लड़की के लिए, ठीक है, उससे भी इसका निकलेगा, आई टी इट, इट माने इसे या इससे भी निकलेगा, ठीक है, देन उन्हें या उनसे, ठीक है, दे आप बताया था मैंने, ठीक है, दे दे प्लूरल, ठीक है। अब देखिए हम आपको एक एक सेंटेंस लेंगे, जब एग्जांपल लेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं, ठीक है, ही क्या क्या, ही विल हिट मी, ठीक है, अब देखिए ही सब्जेक्ट में था, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया, मी आ गया। ठीक है, देखिए ही विल हिट मी, वह मुझे मारेगा, तो ही विल हिट मी, देखिए मी ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया ना, तो वो मुझे मारेगा। ठीक है, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, अब देखिए मी क्या कर रहा, काम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे, देखिए आप लोग मी, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो देखिए ही टोल्ड मी, उसने वो मुझे बताएगा। ठीक है, सी विल कॉल अस, ठीक है, वह हमें बुलाएगी, तो सी का क्या हो जा रहा है, अस क्या हो जा रहा है, देखिए यह अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट किया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, सी विल कॉल अस, वह हमें बुलाएगी। ठीक है, देखिएगा, दे विल विजिट अस, वो हमसे मिलने आएंगे, तो अस क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जब भी देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मी काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ भी काम कर रहा है, अस भी काम कर रहा है, और यहाँ पे भी कर रहा है, ये सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ही लव्स यू, वो तुमसे प्यार करता है, तो उसमें तो कुछ चेंज होगा ना, यू का यू रहेगा, यू ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है। ठीक है, दे रेस्पेक्ट यू,
वह आपकी आदर करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट मतलब आदर करते हैं, वह आपकी आदर करते हैं। तो यू तो ठीक है, होगा नहीं, वो भी वो वही है, ठीक है, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। अब देखिए, गिव इट टू मी, ठीक है, मुझे दे दो, ठीक है, अब देखिए उसे मुझे दे दो, ठीक है, गिव इट टू मी, उसे मुझे दे दो, हिम किया कि नहीं, हिम ऑब्जेक्ट के रूप में किया कि नहीं, हिम मैंने अभी देखो बताया यहाँ पे, ही का हिम हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट ही का चेंज करके हम ही को हिम कर देंगे, तो हिम के रूप में होगा ऑब्जेक्ट, ये मिल गया आपको, ठीक है। कॉल हर, ठीक है, उसे फोन करो, देखिए कॉल हर, अब इसमें आपको क्या मिला, सी के रह पे हर लगा दिया हमने, ठीक है, देखिए सी लाइक्स इट, ठीक है, वह इसे पसंद करते हैं, करती है, ठीक है, सी जैसा होते हैं, सी लाइक्स इट, वह इसे पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, टेल देम, उन्हें बता दो, ठीक है, टेल देम, अब देखिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दे का देम हो जाएगा, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट यूज किया, ठीक है, फिर यहाँ पे खींच दिया, ठीक है, हर मैंने यूज किया, ठीक है, इट यूज किया, इट का इट ही रहता है, जानते हैं आप लोग, इट मैंने यहाँ इट का यूज किया, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर दिया, ठीक है, टेल देम, उन्हें बता दो, हमने क्या किया, देम यूज कर दिया ऑब्जेक्ट के रूप में, उन्हें बता दो, मैंने हिंदी लिख दिया ताकि आपको परेशानी ना हो, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, ठीक है, तो मी हमने ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया ना, ठीक है, दे विल विजिट अस, वो हमसे मिलने आएंगे, तो क्या किया हमने, ठीक है, आज हमने क्या ना, आज का प्रयोग किया ऑब्जेक्ट, हमने कहा था वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, तो हमने, ठीक है, वो हमसे मिलने आएंगे, तो क्या हुआ, अस हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, दे रिस्पेक्ट यू, वो आपकी आदर करते हैं, डिड यू टेल हिम, ठीक है, क्या कहोगे आप, ये देखिए वाक्य है, डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बताया, आप देखिए इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हिम हो गया, या ही का जगह पे हिम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना चेंज हो गया, ही के जगह पे हिम हो गया, क्या तुमने उसे बताया, तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन वाले शब्द, ठीक है, क्वेश्चन डिड यू टेल हिम, ठीक है, क्या हुआ, इसमें ही के जगह पे क्या हो गया, हिम हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, सी के जगह क्या हो गया, हर हो गया, ठीक है, आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, ठीक है, हैव दे टच्ड इट, क्या तुमने इसे छुआ, तो इसमें क्या होगा, इट देखो है, इट है ना, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में ही इट काम करता है, ठीक है, हैव दे टच्ड इट, क्या तुमने इसे छुआ, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला चीज है, लास्ट वाला, टेल देम टू कम, ठीक है, उन्हें आने के लिए बोलो, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, देम हमने किया, दे के एग्जाम पे देम यूज किया, ऑब्जेक्ट यूज किया ना हमने, दे के एग्जाम पे हमने देम यूज किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, हर को यूज कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, हिम को यूज कर दिया, किया ना, और बाकी ये तो ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों काम करता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है, दे का देम हो जाता, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होगा, ठीक है, ये देख लीजिए आपका, ठीक है, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रूप में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रूप में आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू नहीं चेंज होगा क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर देगा और ऑब्जेक्ट के भी रूप में काम करेगा, ही का हिम हो जाएगा, देखिएगा सी का हर हो जाएगा, और अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रही है तो मैं इधर से आके एक बार कर दे रहा हूँ, ठीक है, देखिए आई का मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, सब्जेक्ट भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, और दे का देम हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे चेंज किया आज हमने, ठीक है, वही हमने चेंज किया, ठीक है, कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में जाना, कि सब्जेक्ट को कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करते हैं, और कैसे चेंज होगा और क्या होगा सब्जेक्ट, जब जैसे हमने बोला ना कि ठीक है सी का हर, तो हमने जाना ना सी का हर में चेंज होगा, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आज डे फोर था, ठीक है, हम एकदम बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं, एकदम बेसिक से, एग्जाम जीरो लेवल से, कमजोर बच्चों के लिए भी अच्छा है, जो तेज बच्चे हैं उनके लिए रिविजन हो जाएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर से जरूर शेयर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और ठीक है सपोर्ट करिए मुझे, ठीक है, मैं नहीं हूँ इस यूट्यूब पर, तो कृपया मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, और आपको अच्छे लगेगी तो और मैं एक एक दिन में दो दो वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वंदे मातरम, जय हिंद।